बहनों की यह तकलीफ देखते हैं कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई, हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं बताओ? देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है, तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना 1,000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1,000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने, हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह हाथ जोड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए, तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000, तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 दिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1,000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1,000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है वो भी 1,000 हो जाएगी। अरे ताली बजा तो जोर से बजा, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी, बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा भारिया और शहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी, और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा भारिया शहरिया की 1,000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी, बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए, बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4,000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था, बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ, सुन रही हो कि नहीं?
तो गांव में बैठी बहनें भी ध्यान से सुनो, ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं, तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहने पूरे मध्य प्रदेश की, जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली, और फिर और आगे, जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ, और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ, भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा, और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा, और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज, जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। अभी तो शुरू किया मैंने मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं, तो जोर से बताओ, सब सुन रही हो? तो और सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने कहा था 1000, तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना, अपने भाई पे तुमको विश्वास है? इधर भी पहले बताए, विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों, आज तो शुरू ही हुआ है, इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा, और जब 3000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जोर से बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से, जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाई, त्योहार मनाना, दूसरा इंतजाम करना, फिर मेरी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने कहा था लाडली लक्ष्मी, तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हैं यहां, लाडली लक्ष्मी योजना बनाती, आज लाडली लक्ष्मी बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो लाडली लक्ष्मी बनाई। मैंने कहा था जब बेटियों की शादी करूंगा तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, बताओ बेटियों की शादी कर रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर रहा हूं कि नहीं? बेटियों की शादी कर रहा हूं। हमने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करेंगे, पंच सरपंच बनेगी, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, मेयर बनेगी, तो बहनों को पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष मेयर बनाया। मैंने कहा कि पुलिस में बेटियों की भर्ती करूंगा 30%, तो मेरी बेटियां पुलिस की वर्दी पहन के घूम रही है, और मैंने तय किया कि बहनों के नाम पे भी
संपत्ति होनी चाहिए, मकान, खेत, दुकान, तो उसके लिए भी रजिस्ट्री घटा के कर दी केवल 1%, ताकि बहनों के नाम पे खेत, मकान और दुकान हो जाए। इस पर भी जोर से ताली बजा देना। बहनों, तुम आगे बढ़ती रहो, तुम्हारी ये कष्ट, तुम्हारी ये दुख, तुम्हारी ये तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।